भाई लोग कैसे हो आप सभी, और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना पीएस गेमर्स। तो गाइस पीएस गेमर के नई और ब्रांड न्यू वीडियो सबका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटीए ऑनलाइन। तो गाइस आज अपनी वेब सीरीज का डे है 96 और आज हम थे रे भाई के साथ मज़े करते हैं अपनी फैसिलिटी के अंदर। तो गाइस लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी हमने एक्ट 2 सारा अपना ख़त्म कर लिया था और हम एक्ट 3 अब स्टार्ट करेंगे गाइस। तो देखते हैं भाई, मुझे लगता है स्टोरी लाइन तो लास्ट टाइम भी हो गई थी, तो अभी नेक्स्ट वाले आगे वाले मिशन करेंगे। तो गाइस ये वाली हीस्ट प्रेप करते हैं, सेकंड वाली जो कि मेरीवेदर कैंप में जाना है। सॉरी हमें चलते हैं गाइस मेरीवेदर कैंप में अंदर। तो गाइस आपको वीडियो अच्छे लगे वीडियो जाके लाइक कर देना, चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना गाइस। तो डेलक्सो में भाई चलेंगे, अपने टाइम सेव होगा थोड़ा सा। तो मिसाइल्स भाई निकाल लेते हैं भाई, रे भाई हमेशा तैयार रहते हैं मिसाइलों के लिए कि कभी भी भाई फाइटिंग फिटिंग का दौर आ सकता है। तो गाइस फाइनली अपनी लोकेशन में आ गए हैं और भाई यहाँ पर इसने साथ ही भाई डिटेक्ट कर लिया बंदों को। तो काफ़ी यहाँ बंदे हैं भाई, मारेंगे आराम से, मारेंगे आराम से, मारेंगे कोई चक्कर नहीं है। अपना जो ट्रक है टेक आउट द गार्ड्स, तो ठीक है गाइस ट्रक हमने तबाह नहीं अपने होने देना साइड वाला जो है। तो आप देख सकते हो कि भाई पूरा मॉल चल रहा है, मिसाइल गाइस मिसाइल पे मिसाइल चल रही है, मज़ा ही आई जा रहा है। एक ही करके भाई सारे के सारे मर रहेंगे, मेरा बस मुझे यही है कि ट्रक ना बस डिस्ट्रॉय हो जाए, बाकी कोई चक्कर नहीं है। तो गाइस फाइनली सारे के सारे बंदे अपने उड़ गए हैं, एक बंदा रह गया था। बाकी यार ट्रक जो मर्जी का हो, बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ है भाई, कुछ हुआ ही नहीं। इतनी मिसाइल्स इसके पास भाई चली हैं बट इसको कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है फैसिलिटी में हमें इसको जाके छोड़ना है। तो भाई क्या बात है, अपनी ही डिलेक्सो भाई उड़ा दी हम लोगों ने, बहुत यार गलत नुकसान वाली बात हो गई। और भाई देख सकते हो कि भाई कार के आगे क्या ही सिस्टम है, तो मज़ा ही आ गया कहीं से ट्रक देख के। तो ग्लोबल सिग्नल ऑन हो गया और भाई मेरीवेदर के बंदे अभी हमारे पीछे ही हैं, बाकी कोई चक्कर की बात नहीं है, इसको आराम से हम चलाते रहते हैं। तो भाई ये तो टैंक जैसा ही लग रहा है एक साहब का, वक्त मुझे लगता है सर आगे आगे वाले उड़ेंगे, ऐसे अभी नहीं उड़ रहे। ये देखो बंदे, कार जब हमारे नीचे आती है ना तब जाके थोड़ा सा उड़ते हैं, ऐसे पीछे से कोई नहीं उड़ेगा। बाकी यार बड़ा तगड़ा वाला ट्रक है। और मैं इसमें एक और चीज़ है गाइस, मैं कोई गोली स्विच नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं बंदों को गोली से मार दूँ बट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके अंदर एक गाइस मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है जो कि चलते चलते कार में नहीं हो सकता। तो ट्रक को वेट रखना पड़ेगा एक जगह पर, फिर उसका मिसाइल सिस्टम मैं एक्टिव करूँगा। तो ये थोड़ा सा लंबा काम है सारा का सारा। तो हो सकता है इसके जो नेक्स्ट वाला मिशन होगा उसमें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके साथ हमारे साथ कोई और बंदा भी होगा भाई। इतनी मिसाइल्स रखने के बाद अभी भी इसकी लाइट चल रही है, एक तो एक हेडलाइट उड़ गई है ट्रक की तो सही है फैसिलिटी बस अपनी बस आने ही लगी है। नहीं अभी कहाँ ही आएगी, अभी काफ़ी दूर पड़ी है, हम बहुत दूर आ गए एक फैसिलिटी से, तो टाइम लग जाएगा गाइस इसको पहुँचाते मुझे लगता है। तो गाइस मैं अपनी फैसिलिटी के पास आ गया था और अभी भाई ये पहाड़ चढ़ना है, तो मुझे लगता नहीं है ट्रक चढ़ पाएगा पहाड़। और भाई अभी तक ये बैरी वैसे के बंदे ने मेरा पीछे ही नहीं छोड़ा, अभी साथ आ ही जा रहे हैं इनको पता नहीं क्या हो गया, मैं भाव ही नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा हूँ, बट फिर भी इनको हमारे पीछे आना। ठीक है भाई आते जाओ कोई चक्कर नहीं है। तो भाई ये ट्रक नीचे चला गया, मेरी वजह का बंदा भी हमारे पीछे ही आ रहा है क्या, शायद नहीं उसने नीचे शाम हमारी हमने मार ली थी ना, बट चलो सही है। अभी यहाँ से हम जा सकते थे साइड से भी, चढ़ जाएगा ट्रक, इतनी पावर है ट्रक के अंदर। तो गाइस अभी पावर हम ज़्यादा है नहीं ट्रक के अंदर, मतलब चढ़ पा नहीं रहा वो। देखो मेरीवेदर की ट्रक कार तो नीचे खड़ी है, तो ये भाई रास्ते से आता है, ये साइड से नहीं आता। तो ठीक है बाकी मैं फैसिलिटी में पहुँचने लगा हूँ, तो बस पास में ही अपने फैसिलिटी का रास्ता हो, यार ट्रक फंस गया यहाँ पर, तो ये नीचे ही ना चल जाए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम अपने ट्रक को। बाकी यार इसके टायर का सिस्टम देखो, मैं मोड़ रहा हूँ आगे के चार टायर मुड़ रहे हैं, दो टायर नहीं मुड़ रहे, चार टायर मुड़ रहे हैं,
तभी ये थोड़ा सा ना लेट वर्क कर रहा है। मैं की पहले दबाता हूँ, ये मुड़ता बाद में, बल्कि कार ऐसा होता है की के साथ ही मुड़ जाती कार, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है थोड़ा सा सिस्टम इसका। फाइनली हम अपने फैसिलिटी में आ गए, इसको यहाँ पर भाई कराते हैं, इसको इसके अंदर लेकर चलते हैं फैसिलिटी के अंदर। चलो भाई हो गया भाई, कितना सही लग रहा है। अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, अभी हम फाइनल मिशन करने चलते हैं नेक्स्ट वाला। तो गाइस ये सेटअप तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने लगा इसका। सेटअप मिशन के लिए मैं भाई अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ, रोनिश भाई के साथ करेंगे ये वाला मिशन, तो उसके साथ ही कर सकते हैं क्योंकि कोई करता नहीं हमारे साथ, क्योंकि छोटे छोटे मिशन हैं तो कोई आता है तो है नहीं। बाकी यार इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर देते हैं, हमने अपनी कार ही तबाह कर दी थी, तो यार वो मिल जाएगी हमें दोबारा से। बाकी यार देख सकते हो डिलेक्सो के अंदर हमने काफ़ी आर्मर कराया हुआ, बट एक वरी में ट्रक ने भाई उड़ा दिया, मैं अभी तक हैरान हो रहा हूँ कैसे उड़ा दिया उसने। तो गाइस इंश्योरेंस कंपनी ने फ़ोन उठाया नहीं, तो दोबारा से कोई ट्राई करके देखते हैं कहाँ ही उठाएगा, फ़ोन मिल ही नहीं रहा, फ़ोन एक बड़ी मिला के देख लेते हैं। उठा लो इंश्योरेंस कंपनी वालों, फ़ोन उठा लो मेरा। तो गाइस फाइनली उठा लिया और 10,000 रुपये मांग रहे हैं भाई, ये काफ़ी पैसे मांगने लग पड़े हैं आजकल इंश्योरेंस कंपनी वाले, $10,000 यार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलो गाइस सेटअप मिशन करते हैं, अपने रोनिश भाई को भी बुलाएंगे साथ में। इंस्टॉलिंग हो रहा गाइस अभी, तो सबसे पहले भाई रेडियो बंद कर देते हैं। तो गाइस हमने रोनिश भाई को बुला लिया था, तो अभी हम प्ले करते हैं। तो यार क्या बात है, क्या सीन है। तो कपड़े तो भाई काफ़ी मस्त हैं, थोड़े कपड़े चेंज करें हम क्या। तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो यार ये वाला सही है रेड वाला, इसके साथ जो मास्क है ना भाई स्कल वाला बहुत ही मस्त लग रहे हैं। साथ में यार हम अपनी क्रूमा मंगवा लेते हैं, क्यों डूम्सडे हीस्ट के सारे मिशन क्रूमा में करते हैं तो अच्छा रहता है, तो क्रूमा बेस्ट ऑप्शन रहती है इस चीज़ में। तो भाई देखो हम कितने सही लग रहे हैं, हम लाल रंग के, रोनिश भाई ब्लैक कलर के, तो मस्त कम्बिनेशन है। तभी हम मिशन करने चलते हैं गाइस, देखते हैं इस मिशन में कितनी को तबाही होगी और क्या सिस्टम चलेगा। बट अगर आपको आज भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो जाके लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना गाइस। तभी हम चलते हैं, स्कोट ULP मिशन का नाम है, और भाई अपनी कुरुमा आ गई है और रोनिश भाई ने अपने तो सामने ग्रोटी आर मंगवाई है। रोनिश भाई बैठ जाओ हमारे साथ ही, एक ही जगह जाना है। तो गाइस प्लीटो बे कंस्ट्रक्शन यार्ड, तो प्लीटो बे कंस्ट्रक्शन यार्ड में चलते हैं गाइस फटाफट से। तो क्या बात है, क्या बात है, जंप जंप जंप, और ये जंप हमारी खराब होती गई, पर चलो कोई बात नहीं, अपना नुकसान तो नहीं हुआ ना, इसे क्रूमा में नुकसान होता नहीं है, काफ़ी थोड़ा ही होता ही रहता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं इसको। हाँ बाकी थोड़ा सा साइड से बम्पर टूट गया, क्योंकि टक्कर जो लगी ना, वैसे क्रूमा टूटती नहीं है, वैसे कहना पड़ेगा आज पहली बार ये क्रूमा टूटती ही देखा मैंने, तो इसके बम्पर वम्पर कभी भी नहीं निकलते गाइस। तो गाइस कंस्ट्रक्शन यार्ड अभी भी थोड़ी सी दूर है, बस आने ही लगा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ओके टेक आउट द एडवांस सिक्योरिटी टीम, तो गाइस सिक्योरिटी टीम को भाई उड़ाना है हमें लोगों को। तो भाई साहब ये देख सकते हो काफ़ी बंदे हैं, और बीच पर क्या खड़े हैं, बीच में ही है यार, मेरे को ये नहीं समझ लग रही, ये तो ठीक है, ये तो भाई ट्रक उड़ गया बड़ी सही तरीके से, यहाँ पर सिस्टम ये है सिक्योरिटी अपनी यहाँ पर है, और अपना ट्रक यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि मैं ट्रक तो ये जो था
अपने फैसिलिटी के अंदर लेकर गया था, तो ट्रक यहाँ पर आया क्यों मुझे भी नहीं समझ लग रही। तो गाइस पता नहीं लेस्टर भी कैसे कैसे मिशन दे देता है। एक बार ट्रक अगर वहाँ हम लेके चोरी कर चुके हैं तो उसके बाद फिर भाई अपने पास ही रहना चाहिए ना, या तो लास्ट वाले मिशन में यहाँ छोड़ दे, फिर तो समझ भी लगती है बंदे आ गए भाई काफ़ी ज़्यादा। और गाइस मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि जो डूम्सडे हीस्ट के सारे जो मिशन हैं, ये सारे के सारे में जो बंदे आप देख सकते हो अलग से कपड़े डाले हुए हैं इन्होंने, उनके पास जो वेस्ट है इसके बीच में एक वो जैसे आयरन मैन टाइप जैसा है नहीं वो सिस्टम जो हार्ड होता है आयरन मैन का, वैसे एक हार्ड चमकता है इनके अंदर भी। वो इनका AI सिस्टम है जो कि गेम के अंदर सबको बता रहे हैं, AI सिस्टम के हिसाब से चल रही है वो चीज़। तो भाई सिक्योरिटी टीम देख सकते हो भाई काफ़ी आई हुई यहाँ पर, बाकी आपका भाई एक एक करके भाई हमारी जा रहा है। रोनिश भाई अपने आप से मार रहे हैं, मैं यहाँ से मार रहा हूँ भाई। क्रूमा से ये फ़ायदा तो है हमारी हेल्थ देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोग दबके गोलियाँ मार रहे हैं हम लोगों को। जब तक भाई एक भी गार्ड नहीं रह जाएगा तब तक हमने नहीं उतरना कार से, एक एक गार्ड को भाई मार के रहेंगे। तो भाई एक एक करके भाई बंदे और भी आते हैं, सबको मार देते हैं, रहना किसी को देना नहीं है वैसे भी हमने। तो ठीक है प्यार प्यार से उड़ाते हैं। तो गाइस ये भी एक बंदा रह गया मेरे ख्याल से, एक इधर रह गया एक इधर गया अगर, चलो भी ट्रक भी उड़ा दिया, एक बाहर रह गया, बस एक वाला बाहर को उड़ाते हैं। अंदर वाला बंदा एक तो यहाँ पर ही है, कहाँ पर है, और एक बेचारा यहाँ पर भी है। ये ट्रक ऐसे नहीं, ये ट्रक नहीं होता, कोई ट्रक भाई बड़ी जल्दी उड़ी जा रहा है, बट कोई देखो इसको मैं कितनी गोलियाँ मार रहा हूँ ये उड़ नहीं रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है मुझे समझ नहीं लग रही। तो भाई काफ़ी तो भाई कर दी हम लोगों ने कार के अंदर बैठे हुए, और मेरी हेल्थ बहुत कम हुई। ओह भाई तो रह गया था, चल तेरा टाइम भी आ गया भाई। देखो इस टाइम तो हर किसी का आना है मरने का, ये भाई का पहले आ गया थोड़ा सा। तो एक बंदा बाहर से मिलेगा, ओके तो यहाँ से जाते हैं और देखते कहाँ पर है। ओके ये नीचे था तभी भाई, ऊपर हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा। चलो गाइस अब मैंने एक एक बंदा मार दिया है, तभी कोई फिक्र नहीं है, आराम से गाइस मिशन करेंगे, कोई जल्दी नहीं हमें। तो भाई चलते हैं, मैं ट्रक चलाऊंगा, रोनिश भाई पीछे बैठेंगे, ठीक है रोनिश भाई। तो ये भाई हम गोलियां मारेंगे तभी, ये आप मुझको दिखा भी देंगे सबको इस बार वीडियो में कि कैसे भाई गोलियां बचती है इस गेम के अंदर। तो हमें जाना है भाई लैंडिंग साइट के अंदर, तभी तो मैं ट्रक देख रहा हूँ, देख सकते हो कि ये ट्रक अब मूव नहीं हो सकता क्योंकि इसके दूसरा चीज़ हो गई, अभी ये इसकी मिसाइल्स कंट्रोल होंगी, तभी जब ये नीचे हो जाता है तब फिर इसकी मिसाइल्स कंट्रोल नहीं होती, फिर मैं चला सकता हूँ, या मैं ट्रक चलाऊंगा या फिर मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ, दो ही ऑप्शंस हैं। तो भाई समय सोच समझ के मुझे ट्रक रोकना पड़ेगा, और रोनिश भाई को भी उसी टाइम क्विक एक्शन लेके सारे बंदे को मारने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या सही रहेगा रोनिश भाई के लिए। तो रोनिश भाई तो एक बाइक कार के अंदर बैठ गए हैं मेरे साथ, दूसरी कार के अंदर है वो भी, ट्रक के अंदर तो नहीं है वो भाई, रैम बगी जिसको हम कहते हैं अपने गेम के अंदर, तो रैम बगी के अंदर है। तो भाई चलते हैं लैंडिंग साइड के ऊपर, अपना यार अपना हेलीकॉप्टर भी कोटरा होना चाहिए था। लैंडिंग साइड यहाँ पर कौन सी आ रही है, तो भाई सामने से बंदे आ रहे हैं, रोनिश भाई काफ़ी सही तरीके से बंदों को उड़ा रहे हैं, तो सही है रोनिश भाई रैम बगी मज़ा आ रहा है आपको, हाँ सही है, देखना देखना भी उड़ा देगा ये भाई, देख सकते हो ट्रक को कैसे उड़ा दिया भाई, रैम बग की मज़ेदार कार आई है, देखो भाई कहाँ उड़ के कहाँ पर पहुँच गई ये कार, तो बचाड़ी सी छोटी सी कार थी, कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो लैंडिंग साइड तो भाई अपनी आ गई है, और एक मेरे पीछे से भाई कार वाला मेरे को टक्कर मारी जा रहा है, पता नहीं कितनी टक्कर मारेगा मुझे। तो वेट फॉर एजेंट ULP, तो ठीक है भाई एजेंट ULP के लिए हम वेट कर रहे हैं।
तो अब क्या सीन है, अब तो बंदे भी नहीं आ रहे। अरे रोनिश भाई अब मेरे साथ आके बैठ जाओ यार, आप बंदे बंदे मारना। हाँ तो भाई देख सकते हो कि ये भाई अब मिसाइल कर सकता है लॉन्च। तो और भाई सामने कितने ज़्यादा हेलीकॉप्टर आ गए हैं जो कि दुश्मनों के हैं। हमने भाई मेन आपको बताता हूँ क्या सिस्टम है मिशन का। जो अपना एक हेलीकॉप्टर आ रहा है ना ब्लू कलर का, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसके प्रोटेक्ट के चक्कर में हमें बाकी हेलीकॉप्टरों को मारना है। और जब तक मैं अभी ड्राइव नहीं कर सकता, अभी ट्रक या ड्राइव होगा या गोलियां चलेंगी, एक ही काम होगा एक टाइम पे। तो भी रोनिश भाई मार रहे हैं गोलियां, तो इनको मारने देते हैं। तब तक हमें वेट करना पड़ेगा गाइस, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। तो भाई साहब अब सामने तबाही देखो, रोनिश भाई कितनी सही तबाही कर रहे हैं। तो भाई साहब चार मिसाइल इकट्ठे छोड़ते हैं ये भाई, एक साइड में एक टाइम पे चार मिसाइल इकट्ठे छोड़ रहे हैं। ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या बात है भाई, मज़ा ही आ गया। चीज़ भाई बड़ी मस्त है। और मैं तो ये नोट कर रहा हूँ कि भाई इसको कोई इतना स्ट्रॉन्ग आर्मर लगा हुआ है, इसको कुछ होता भी नहीं है ट्रक को, तो काफ़ी सही चीज़ है, हमें भी बाय करना चाहिए चीज़। वॉर स्टॉक से बाय होती होगी, देखूंगा अगर गाइस होती होगी तो। बट मैं सोच रहा हूँ इसको चलाने के लिए दो बंदे चाहिए, क्या ही करोगे इसको लेके भी, क्योंकि सिंगल प्लेयर के लिए तो आप यूज़ कर नहीं सकते। सेकंड प्लेयर आप आओगे नहीं, कोई आएगा ही नहीं हमारे साथ, तो फन लग नहीं रहा इसको चीज़ को बाय करने का भी। तो गाइस फॉलो करना और प्रोटेक्ट करना यूएलपी को। और भाई सामने देख सकते हो हमारे दुश्मन का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, अपने एजेंट का हेलीकॉप्टर ही देखो, नाली 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 देखो, रेड कलर का मार्क आ गया है। सामने रोड में भी भाई काफ़ी बैठे हुए हैं लोग, तो भाई काफ़ी, और पीछे से भी भाई भजाड़ आया, कितनी गोलियां फेंक रहा है। अब टाइम है रोनिश भाई का, भाई अपना हमने हमारा काम से ट्रक को चलाना है, हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, बाकी काम अपना रोनिश भाई का है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर भाई कैसे गिरा अपने साइड में आते हुए, ओपी सीन है। फिर रोनिश भाई कहते थोड़ा आगे कर लो यार, मैं थोड़ा आगे करता हूँ। तो सामने वाले बंदे जो देख रहे हो ना भाई, ये अब सारे उड़ने लगे हैं, 1 2 3 साथ ही मिसाइल्स का भाई टारगेट लॉक हुआ और सारी की सारी मिसाइलें चल गई भाई वहाँ पर। ये अलग सी बात है, उड़े नहीं बंदे अपने, पूरा चक्कर चला है। तो हाँ अब ठीक है, अब मिसाइलें ठीक गई है रोनिश भाई, पहले उड़े नहीं थे, अब सही उड़ गए सारे के सारे, मज़ा ही आ गया मार के भाई सबको। अभी आगे भाई और भी बंदे आ रहे हैं, अपने पीछे दो हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं। बट मैं सोच रहा हूँ अभी कोई नहीं, अभी ये टनल आ रही है तो मेन टनल से हम पास होते हैं। ओके तो अपनी लेफ्ट वाली भाई साइड भी देख सकते हो काफ़ी बंदे खड़े हैं, बट अपन टनल के अंदर से निकल जाएंगे। तो ठीक है टनल के अंदर से निकलते हैं, तो अपने टनल के अंदर तो कोई ख़तरा नहीं है। बाकी अपना हेलीकॉप्टर बाहर है, उसकी हेल्थ भी कम हो रही है, उसकी हेल्थ नहीं कम होने देनी चाहिए भाई, वही हमारा मेन मिशन है। अगर वो तबाह हो गया तो अपना मिशन भी डिस्ट्रॉय है, ख़त्म है उसी टाइम। तो भाई साहब एक कार आ गई उड़ी है, तो भाई चलो साथ ही उड़ गए, तो भी आ जा बेटा। बट ये नहीं उड़ी यार, वो सामने पिछली वाली कार तो उड़ गई थी, इस बार कार नहीं उड़ी। तो भाई सब टाइम आ गया रोनिश भाई का, तो भाई साहब अभी गोलियां मारेंगे एकदम से। ये सही है, कार वाले बंदे कुछ कह नहीं रहे क्योंकि गोलियां बज के हमें बज नहीं रही। मैं बाकी अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत ही बज रही है, बाकी ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है ट्रक तो काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ है, कुछ होता नहीं है इसमें भी। गाइस देख सकते हो ऊपर भी एक हेलीकॉप्टर आ गया, तो भाई क्या बात है, क्या रोनिश भाई निशाना नहीं बन रहा, सामने तो आया हेलीकॉप्टर। तो गाइस सिस्टम ये है कि मिसाइल्स का एक पॉइंट है, वो हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा पास है अपने से, इस कारण उसको मिसाइल्स पड़ नहीं रही।
तो थोड़ा सा आगे चलते सामने और भी हेलीकॉप्टर जा रहे हैं अपने भाई एजेंट यूएलपी के पास। थोड़ा पास जाकर ना, जब इकट्ठे ज़्यादा टारगेट बन जाएंगे ना, तब मैं एक बारी कहूँगा रोनिश भाई को कि मारो यार अब, क्योंकि अपनी हेल्थ भी कम हो जा रही है। तो भाई इसे देख सकते हो कि अभी ठीक लग रहा है मुझे स्पोर्ट। तो भाई चलो रोनिश भाई रेडी हैं, साथ ही भाई साहब एक देखना भी, सामने वाला हेलीकॉप्टर जाने लगा है, ये गया मिसाइल्स और ये सामने वाला एक और है ये भी गया। तो भाई दो हेलीकॉप्टर साथ ही उड़ गए, एक नीचे यार एक कार वाले ने बहुत दुखी किया हुआ है रोनिश भाई, इसको भी मार मूर दो। तो एक सामने साइड से भी आ रहा है, इसको भी भाई मारेंगे भाई, क्या बात है। सारी की सारी भाई मिसाइल चल गई, ओके एक यहाँ पर है, इसको पता नहीं शायद टारगेट हो या ना हो, क्योंकि ये बहुत ही पास खड़ा अपने, नहीं होगा ये टारगेट नहीं हो रहा। तो एक जो सामने से आ रहा है रोनिश भाई, इसको मार दो साथ में। तो यार ये भाई मस्त मिसाइल सिस्टम लगा मुझे, इतना भाई सही है ना, इतना भाई सही है क्या ही बात बताऊँ। तो ये भाई हेलीकॉप्टर इतना पास आ गया बट इसको गोली बज नहीं रही। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूँ मैं ही उतर के एक बार इसको भाई मिसाइल से उड़ा दूँ आरपीजी से, बट मैं उतरने का ना खतरा ले नहीं सकता अभी। तो अभी जितना हो सकता है अभी यहाँ से कर लेते हैं अभी खुद से। तो भाई यहाँ से तो सीधा भाई, क्या बात है, यहाँ से इसको सही है, थोड़ा पास हो गया था ना, थोड़ा दूर था। ओके तो एक भाई ये वाला मिसाइल वाले ने बंदे ने मारा है। चलिए यार मेरा टाइम है, क्योंकि भाई अपना हेलीकॉप्टर काफ़ी दूर चला गया इस टाइम, तो उसको फॉलो करते करते भाई थोड़ा सा राइट जाना पड़ेगा। तो अभी उसके पास चलते हैं अपने हेलीकॉप्टर के पास। तो राइट चलते हैं भाई, ये भाई है कार आई है मेरे पास बट उसका कुछ बचा ही नहीं, और भाई पीछे भी काफ़ी गोलियां बज रही हैं, पूरी पूरी भाई रोड में निशान आता है गन का। तो ठीक है ये प्लेस ठीक है, ये दो हेलीकॉप्टर्स को मार देते हैं। चलो 1 2 3, और ये दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर को दोनों को निशाना हो जाए भाई। तो सिस्टम ठीक है, ये दो बंदे हैं ये हमें डिस्टर्ब कर नहीं रहे। रोनिश भाई एक राइट में भी बंदा है अपने काफ़ी नीचे आ गए, इसको भी मार दो ये हेलीकॉप्टर वाले को। बाकी यार कार वाला भी कुछ कह नहीं रहे, कार वाले हाँ करने को कर सकते हैं बट कोई चक्कर है नहीं। मैं अगर मार पाता ना गोली एक आधो को एक कार वाले को तो मैं ही मार देता, बट मैं कोई गोली मार ही नहीं पा रहा, मुझे कोई गन का कोई आता ही नहीं है इसमें, तो मैं गन मारूंगा भी कहाँ। ये भी ठीक है आर्मर चीज़ है सारी की सारी। तो भाई चलते हैं यहाँ पर, तो भाई काफ़ी गोलू बार चल रही है बट भाई अपना हेलीकॉप्टर काफ़ी दूर पर ला गया, तो अभी इनको चलते रहने देते हैं अपने पीछे। एक पॉइंट में जाएंगे सब सारे के सारे हेलीकॉप्टर इकट्ठे मार देंगे, ठीक है ना, यही सही रहेगा। बाकी यार पता नहीं कितनी दूर जाना है ये बंदे ने, मैं इतना टाइम थोड़ी ना लगाता हूँ, आराम आराम से जा रहा अपना बंदा वाला अभी ना, थोड़ा बंदा तेज चल जाता थोड़ा सा। देख दो हेलीकॉप्टरों के बीच में जा रहा है वो सामने से, वाइट वाला देख सकते हो हेलीकॉप्टर वो अपना, ये ब्लैक वाले हेलीकॉप्टर दुश्मनों के हैं। तो रोनिश भाई रेडी 3 2 1 एंड सबको भाई ये दोनों उड़ाओगे, इकट्ठे उड़ेंगे, क्या बात है, दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर इकट्ठे एक साइड में है। पीछे पीछे किसको उड़ा रहे हो रोनिश भाई? तो यार एक तो ये वाला हेलीकॉप्टर को उड़ाओ यार, ये क्या बात है क्या बात है भाई। ओके सामने एक और मिल गया, तो इसको भी भाई उड़ाते हैं, एक लेफ्ट में भी एक सीधा भी जा रहा है, इसको भी उड़ाएंगे भाई। जो मिसाइल एकदम से अपने आप को लॉक कर लेती है ना, ये सिस्टम गेम के अंदर बेस्ट है, नहीं तो यार आप इतना टाइम लग जाएगा बट आपको हेलीकॉप्टर को निशाना ही नहीं बना पाओगे। तो ये सिस्टम बेस्ट है और बनता भी यही है। ये सारी की सारी मिसाइल ज़मीन में चल के लगता है, सामने से कोई कार आ रही थी, तो अभी सामने अपने पास दो हेलीकॉप्टर हैं, इनको भी उड़ाएंगे भाई, अपने काफ़ी मज़ेदार मिशन है। तो तीन हेलीकॉप्टर टोटल हैं अपने साइड साइड में, तो सामने है दो, एक हमारे ऊपर है, एक हमारे जो साइड है जो हमारे घूम रहे थे, तो और कोई है क्या? नहीं। तो अभी यार अपने वाले हेलीकॉप्टर के पास चलते हैं, वो काफ़ी दूर चलेंगे। अपने वाले हेलीकॉप्टर को भी भाई छोड़ नहीं सकते ना,
उसके भी बिल्कुल पास रहना नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है गाइस अपनी लोकेशन आ गई है, क्योंकि अभी और कोई कार्स या हेलीकॉप्टर आ नहीं रहे। एक कार वाला ही बंदा है, इसको तो मैं कोई नहीं है, चल रहा है मेरे पीछे, ये कुछ भी नहीं कर सकता। फाइनल लोकेशन में लगता है पहुंचने लगे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर आने बंद हो गए हैं। अभी हम बस अपने हेलीकॉप्टर के साथ साथ चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो कि इसका ऐसे ट्रक इसका नहीं तबाह हुआ, बट हाँ आगे होता तो शायद ये तबाह हो भी जाता। तो भाई एजेंट भाई अपना क्या लोकेशन आ गई क्या भाई? मुझे लग रहा है कि लैंड करने लगा है। कर रहे हो क्या लैंड? तो भाई बताता भी नहीं मुझे। चलो एक कार थी वो भी अपने से पीछे हो गई अब। और कहाँ जा रहा है ये? पानी में लैंड करेगा बंदा क्या? पानी में तो नहीं लैंड करेगा। मैं भी सोच रहा हूँ गाइस वो दूसरी रोड है ना, वहाँ पर हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग चलते हैं भाई। ट्रक के भाई टायर देखो क्या सस्पेंशन सिस्टम है, 4x4 का भाई ट्रक है। बट हाँ ट्रक हार पर नहीं चढ़ पाया था, पर भाई मस्त ट्रक है कहना पड़ेगा, कुछ होता ही भी नहीं इसको। तो ओके गाइस फाइनली अपनी कोकेन फैक्ट्री वाली लोकेशन में आ गए हैं। तो अकूला वाला मिशन भी यहाँ पर ही ख़त्म हुआ था, सेटअप अपना पास हो गया है। रोनिश भाई प्लेटिनम आए, हम गोल्ड आए, क्योंकि भाई रोनिश भाई ने इतने ज़्यादा गोलियाँ जो मारी, हमने तो सिर्फ ट्रक चलाया। आरपी भी भाई कई सही बार मिल गई है अपने को। अपने को आपको पता गाइस हमें को कोई पैसा भी नहीं मिलता, पर रोनिश भाई को 40-50 हज़ार डॉलर्स मिलते हैं हर मिशन के। तो सही है, काफ़ी अच्छा वाला सिस्टम है। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो मिलते हैं। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी वीडियो जाके लाइक कर देना, चैनल मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन। मिलेंगे गाइस ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, टेक केयर।